Good morning, students. Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kotputli. आज हम प्रॉन के सेकेंड पार्ट दैट इज अपेंडिजेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं. प्रॉन फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है. सब फाइलम चेलिसेरेटा. इसकी क्लास होती है अरैकनिडा. ये ऑर्डर स्कोरोपाइनोडा को बिलोंग करता है और हम जो जीनस स्टडी कर रहे हैं वो प्रॉन पेलमेनियस है. फ्रेश वाटर प्रॉन. फ्रेश वाटर प्रॉन इंडियन रिवर्स में जो पाया जाता है उसे पेलमेन कहते हैं. मैराइन वाटर में पाए जाने वाले प्रॉन को पेनियकस कहा जाता है. जैसा कि हम सब जानते हैं प्रॉन की बॉडी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सिफेलोथोरक्स और एब्डोमेन. सिफेलोथोरक्स 13 सेगमेंट्स का बना होता है जिसमें से कि सिफेलिक और थोरैसिक रीजन्स पाए जाते हैं. सिफेलिक रीजन में 5 सेगमेंट्स होती हैं और थोरैसिक रीजन में 8 सेगमेंट्स पाई जाती हैं. एब्डोमेन में 6 सेगमेंट्स पाई जाती हैं. सिफेलोथोरक्स रीजन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कैरापेस बोलते हैं और सिफेलोथोरक्स एंटीरियरली एक रोस्ट्रल स्पाइन पे प्रोड्यूस होता है, या ये कह सकते हैं कैरापेस से एक रोस्ट्रल स्पाइन निकलती है. एब्डोमेन के सेगमेंट्स को हम क्लियरली देख पाते हैं जबकि सिफेलोथोरक्स के सेगमेंट्स हमें दिखाई नहीं देती हैं. सिफेलोथोरक्स में भी सिफेलिक रीजन में तो खंडीभवन होता नहीं है, थोरैक्सिक रीजन में थोड़ा सा स्पेसिफिकली सेगमेंट्स जो ये दिखाई देती हैं पर क्लियर नहीं होती, जबकि एब्डोमिनल सेगमेंट्स का जो खंडी भवन है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है. ईच सेगमेंट जो है एब्डोमिन की दो प्लेटों से कवर होती है. डॉर्सल साइड पर टर्गल प्लेट होती है और वेंट्रल साइड पर थोड़ी पतली स्टर्नल प्लेट होती है. और ये टर्गल प्लेट और स्टर्नल प्लेट इसके साइड में ये कनेक्टेड रहती है दोनों प्लेट प्लूरॉन से. और एब्डोमिन की जो अपेंडेजेस हैं उनके पास एक एपिमेरॉन पाया जाता है. ये एपिमेरॉन इस प्लूरॉन से जुड़ी रहती हैं. इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं सारी अपेंडेजेस. फॉर एग्जांपल आप देखिए ये प्रॉन का चित्र है. इसमें ये जो पीला भाग है ये इसका सिफेलोथोरक्स रीजन है और ये डार्क येलो कलर है ये इसका एब्डोमिनल सेगमेंट को दर्शा रहा है. सिफेलिक रीजन को हमने दो भागों में देख बांटा है, हेड एंड थोरेक्स. हेड और थोरेक्स मिलाकर सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया कि हेड रीजन में कोई खंडीभवन नजर नहीं आता जबकि आप थोरैसिक सेगमेंट में इंटरनल सेगमेंटेशन के माध्यम से 6-8 सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं और एब्डोमेन में क्लियर सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है और 6 सेगमेंट्स क्लियर कट नजर आ रहे हैं. ये पूरा पीला भाग जो है ये सिफेलोथोरक्स है और सिफेलोथोरक्स कवर्ड रहता है कैरापेस से. सिफेलोथोरक्स का जैसे मैंने पहले भी बताया आगे की तरफ पॉइंटेड एक रोस्ट्रम निकलता है, ये रोस्ट्रल स्पाइन कहते हैं और ये इसकी कंपाउंड आईज हैं. अब हम अपेंडिजेस देख लेते हैं. सिफेलोथोरक्स रीजन से सबसे पहले निकलती है एंटीन्यूल या फर्स्ट एंटेना, एंटेना या सेकेंड एंटेना. फिर ये तीन निकलती है मैंडिबल, मैक्सिल्यूला या फर्स्ट मैक्सिला, मैक्सिला एंड सेकेंड मैक्सिला. यानी हेड रीजन से एंटेना, एंटीन्यूल, एंटेना, मैंडिबल, मैक्सिल्यूला एंड मैक्सिला निकलती है. फिर थोरैसिक रीजन में से जब निकलती है उन्हें ये 8 जोड़ी वॉकिंग लेग्स निकलते हैं. इनको हम पीरियोपॉड्स या कहते हैं. ये 8 जोड़ी होते हैं. उसके बाद एब्डोमिनल सेगमेंट में से पहली जो 5 सेगमेंट्स है इसमें से स्विमब्रेट्स निकलते हैं जिन्हें प्लियोपॉड्स भी कहते हैं. लास्ट के सेगमेंट में एब्डोमेन के 6 सेगमेंट में यूरोपॉड पाया जाता है और ये एक नुकीली लास्ट में टेल्सन होती है. टेल्सन इज नॉट एन अपेंडेज. ये सारी अपेंडेजेस हैं. तो टोटल अपेंडेजेस जो प्रॉन में पाई जाती हैं वो 19 जोड़ी अपेंडेजेस पाई जाती हैं. अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से भी आपसे पूछा जाता है तो यू शुड नो दैट टोटल अपेंडेजेस पाई जाती हैं 19. 5 1 2 3 4 5 सिफेलिक रीजन में, 8 थोरैसिक रीजन में,
तो 8 और 5 13 और 6 अबडोमिनल रीजन में 19 जोड़ी अपेंडिजेस प्रॉन में पाई जाती है। ये सारे उनका नॉमेनक्लेचर ही है, टेबुलर फॉर्म में आपको याद करने में आसानी होती है, इसलिए ये टेबुलर फॉर्म में है कि 13 जैसा भी मैंने आपको पीछे भी समझाया, 13 सिफेलोथोरेसिक अपेंडिजेस, उससे 5 अपेंडिजेस सिफेलिक रीजन की, 8 थोरेसिक अपेंडिजेस और एब्डोमिनल की 6 जोड़ी अपेंडिजेस, ये टेबुलर फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं। ये अलग से जब हम डिसेक्शन करते हैं प्रॉन का, तो इस तरह से हम इनको अपेंडिजेस को 19 जोड़ी को अलग करके हमें दिखाना होता है। तो आप देख लीजिए, ये एंटीन्यूल है, फिर वही एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिल्यूला और मैक्सिला, ये सेफेलिक अपेंडिजेस, फिर ये 8 वॉकिंग लेग्स हैं जो थोरेसिक अपेंडिजेस हैं, और ये 6 इसकी एब्डोमिनल अपेंडिजेस हैं जो ऐसे हमें अलग करके दर्शानी होती है जब हम डिसेक्शन करते हैं इसका। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेफेलिक अपेंडिजेस थोड़ी डिटेल में। सेफेलिक अपेंडिजेस सबसे पहली है एंटीन्यूल। तो एंटीन्यूल में आप देखिए, इसके बेसल स्ट्रक्चर में इसको हम प्रीकॉक्सा कहते हैं, ये कॉक्सा, ये बेसिस, और ये दो इसके फीलर्स हैं, एक इनर फीलर और एक आउटर फीलर। आउटर फीलर भी आप देखिए दो भाग में बाइफर्केटेड है। तो ये जो स्टेटो प्रीकॉक्सा है, इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। तो स्टेटोसिस्ट जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है एनिमल का, कि एक तरह से एनिमल को इक्विलिब्रियम में जैसे बैलेंसिंग का काम करता है। इसके जो ये फीलर्स हैं, आउटर फीलर और इनर फीलर, ये टेक्टाइल यानी टच के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, टच को फील करते हैं। और आपको जैसे कि दिख रहा है, आउटर फीलर एक स्मॉलर फीलर और एक लार्जर फीलर में डिवाइडेड है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेफेलिक अपेंडिज पे, दैट इज एंटेना। एंटेना में आप देखिए वही कॉक्सा है, बेसिस है, ये एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है और एक फ्लैजुलम है। तो ये जो पत्ती जैसा प्लेट लाइक है, ये इसका स्विमर है, एक्सपोडाइट है प्लेट लाइक, जिसे जो ये इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। इसकी कॉक्सा के बेसिस पे यहाँ पर ये यूरिनरी ओपनिंग है और रीनल ओपनिंग पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि प्रॉन में रीनल ओपनिंग कहाँ पाई जाती है। तो ये प्रॉन की रीनल ओपनिंग इंटीरियर पार्ट में एंटेना के कॉक्सा में कॉक्सा बेसिस के बेस पे पाई जाती है। और आपको मालूम है रीनल या यूरिनरी ओपनिंग मींस एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो एंटेना का फंक्शन सेंसरी तो होता ही है, बिकॉज फीलर्स प्रेजेंट है, बैलेंसिंग का भी फंक्शन करता है, प्लस बिकॉज ऑफ यूरिनरी ओपनिंग इट इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। देन द नेक्स्ट अपेंडिज है मैंडिबल्स। ये मैंडिबल्स माउथ के दोनों तरफ उपस्थित होती है। इनका काम होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एपोफाइसिस है, हेड है, मैंडिबुलर पल्प है, इंसाइजर्स है और मोलर प्रोसेस है। तो ये इंसाइजर और मोलर प्रोसेस की मदद से भोजन को चबाता है। तो इसका फंक्शन है मेस्टिकेटरी इन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिल्यूला या फर्स्ट मैक्सिला। ये जो फर्स्ट मैक्सिला है, इसमें आप देखिए बेसिस, कॉक्सा और एंडोपोडाइट उपस्थित है। इसके जो ये सिलियरी, इसमें बाहर के उस पे सिलिया पाए जाते हैं, या सिलियरी आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन होता है मैनिपुलेशन ऑफ द फूड। मैनिपुलेशन ऑफ द फूड यानी ये मैनिपुलेट करते हैं या जांचते हैं फूड की क्वालिटी को कि ये पैलेटेबल है, यानी खाने योग्य भोजन है या नहीं। उसी तरह से मैक्सिला लास्ट है। ये मैक्सिला का आप देखिए, इसमें एक विंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम एक्सोपोडाइट कहते हैं, ये एंडोपोडाइट है, इसके एंडाइट है, ये इसकी कॉक्सा है। तो ये जो है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये वाटर को अंदर की तरफ ब्रिंकियल रीजन में या गिल रीजन में ले जाता है। दैट मीन्स इसका मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के साथ साथ, क्योंकि इसमें भी सिलियरी ट्रैक्स प्रेजेंट है, तो ये भी फूड को मैनिपुलेट करता है, यानी फूड की क्वालिटी को जांचता और परखता है। देन वी कम टू द थोरेसिक अपेंडिजेस। थोरेसिक अपेंडिजेस ये तीन होती हैं, फर्स्ट मैक्सिलोपीड, सेकेंड मैक्सिलोपीड एंड थर्ड मैक्सिलोपीड, और उसके अलावा 5 वॉकिंग लेग्स। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मैक्सिलोपीड। ये दो खंडों में विभाजित होता है। इसकी एंडोपोडाइट तो छोटी होती है, और एक्सोपोडाइट आप देखिए बाइलोब्ड होती है, एक लोब और दो लोब।
बाइलोब्ड एक्सोपोराइड होती है, इसका फंक्शन रेस्पिरेटरी होता है, ये रेस्पिरेशन में मदद करती है। सेकेंड अपेंडिजेस इज सेकेंड मैक्सिलोपीड। सेकेंड मैक्सिलोपीड में आप देखिए एक्सोपोडाइट है, एंडोपोडाइट प्रेजेंट है, बेसिस है, कॉक्सा है, और आप इसके आउटर मार्जिन में आप देखिए एक गिल या एपीफ्रेन या गिल उपस्थित होता है, और इनर मार्जिन में बहुत सारे अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइट पाए जाते हैं। तो इसका आप डायग्राम अगर देखें तो इसमें इश्चियम मेरस और कॉर्पस पाया जाता है, ये भी क्योंकि गिल उपस्थित है तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करती है। फिर उसके बाद थर्ड मैक्सिलोपीड। थर्ड मैक्सिलोपीड आप देखिए इसमें लंबी और थिन एक्सोपोडाइट है, छोटी एपिपोडाइट है, कॉक्सा है, बेसिस है, फिर ये एक लंबी सी इश्चियम है, फिर कॉर्पस है, और फिर ये डक्टाइलस है। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें ही इसका फंक्शन भी मोर और लेस रेस्पिरेटरी ही होता है। फिर आते हैं हमारे वॉकिंग लेग्स। हर वॉकिंग लेग को आप ध्यान से देखें तो इसमें कॉक्सा है, बेसिस है, इश्चियम है, फर्स्ट पार्ट, फिर मेनस, मेनस के बाद कार्पस, कार्पस के बाद प्रोपोडस और डेक्टाइलस, और एक लेग जो है इसका बी लेग, ये बी लेग चिलेट होता है, जिसमें कि ये दो ऐसे फोर्क जैसा बना होता है जिसे चिलेट लेग कहा जाता है। तो चिलेट लेग और बाकी लेग, ये तो चिलेट लेग है और बाकी लेग कहलाते हैं नॉन चिलेट लेग्स। तो फाइव पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो कि क्रॉलिंग यानी क्रॉलिंग में मदद करते हैं, रेंगने में मदद करते हैं एनिमल को, और इनमें नॉन चिलेट लेग is called as it is the largest leg and first walking leg is known as chela. Then we come to the abdominal appendages. जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ abdominal के में छह pair of या छह जोड़ी appendages पाई जाती है। हर appendage biramous होती है, यानी इस तरह का structure है biramous, दो तरह दो भाग में divided है इसका ऊपर का भाग, और इनको हम स्विम रेट्स या प्लियोपोड्स भी कहते हैं। अपेंडेज में एक कोक्सा होती है, एक बेसिस, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट, और ये एनिमल को तैरने में हेल्प करते हैं। ये जो अपेंडिक्स इंटरना है ये नर और मादा में डिफरेंशिएट करती है कि मेल में अपेंडिक्स इंटरना प्रेजेंट होती है, फीमेल में ये अपेंडिक्स इंटरना अनुपस्थित होती है। तो ये थी एब्डोमिनल सारी अपेंडिजेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू।